हेलो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो सडनली बना हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा, जन्माष्टमी के दिन हमारे जो पार्क है हमारी कॉलोनी में, वहाँ पर महादेव का टेम्पल है। मैं वहाँ पर पूजा करने के लिए शाम को गई थी। मैंने सोचा जन्माष्टमी में मैं अपने तरफ, जैसे झांकियाँ होती हैं वैसे तो होगा नहीं यहाँ पर कहीं, या होगा तो काफ़ी दूर होगा, इसलिए मैं महादेव टेम्पल चली गई पूजा करने के लिए शाम को। फिर वहाँ पर मैंने देखी छोटे छोटे से कृष्ण राधा बने हुए, छोटे छोटे बच्चे टहल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आसपास कोई फंक्शन है, तो उन्होंने मुझे ये मंदिर का रास्ता दिखाया। इतना खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे राधा कृष्ण बन के घूम रहे थे। 12 बजे जन्माष्टमी जो थी वो 7 तारीख को मनाना था। मैंने पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे फंक्शन होगा, बहुत ही आलीशान फंक्शन होता है यहाँ पर, लेकिन अब रात के 12 बजे तक कौन रुकता, इसीलिए मैंने वहाँ पर पूजा करी। फिर उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। वहाँ सभी लोग रात के 12 बजने का वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, बाहर प्रसाद बन रहा था, काफ़ी ज़्यादा भोग लगाने के लिए प्रसाद बन रहा था, लेकिन मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठी और उसके बाद मैंने राधा कृष्ण को, जो पालने में थे कृष्ण भगवान, मैंने उनको झुलाया। और उसके बाद ये छोटे से कन्हैया जी मिल गए मुझे वहीं पर बैठे हुए, तो उनके पास थोड़ी देर बैठे, बातें करी। फैमिली बहुत प्यारी थी और उन्हीं की फैमिली से एक राधा माता बनी हुई थी, प्यारी सी बच्ची। मैंने उनके साथ वीडियो बनाई, बातें करी, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद चल दिए वापस अपने घर की तरफ। 7 तारीख का फंक्शन सडनली हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन शाम गुजरी हमारी। अगर आप भी आसपास रहते हो महिपालपुर के, तो इस मंदिर जाना मत भूलिएगा। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।